मेरा नाम अंजनी कुमार, इस सिस्टम में 2008 से हम काम कर रहे हैं। इसके पहले ट्रेडिशनल बिजनेस में जांच घर में काम करते थे, लेकिन यहाँ इत्तेफाक नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हमारे फैमिली में, हमारे मन में, चाहे समाज में जो चल रहा था कि नेटवर्क मार्केटिंग बराबर होता है बर्बादी, क्या जो बोल रहे हैं सही या गलत, लेकिन फिर भी उस बर्बादी में भी जबरदस्ती ही लाया गया। धीरे 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 जैसे जैसे इसमें बढ़ते गया, चेक की साइज की बात किया जाए तो सारे लीडर बोलते हैं, मैं भी बता रहा हूँ अपने बारे में कि मेरा जो मनोकामना था, जो इच्छा थी कि जो अपने फील्ड में जो दुकान से हम पैसा कमा रहे हैं, जिसे परिवार चला रहे हैं, उसके बराबरी का, ज़्यादा तो नहीं, 5 से 6 हज़ार रुपये भी आ जाए तो परिवार को चला सकें। 2008 की कहानी कर रहे हैं और वो 5 से 6 हज़ार रुपया उस समय एक चलाने के लिए मेरे लिए काफ़ी था, लेकिन स्थिति ऐसी नहीं। स्टार्टिंग में जो चेक आता है बहुत ही अच्छा चेक होता है, वो मेरा अच्छा चेक था 108 रुपया का। इतना ही नहीं 108 से बढ़कर 200, 250, 300 और अच्छा चेक आया तो 50 रुपया। अब समझ में आ रहा था कि सच्चे मुझ में लोग जो बोलते हैं, समाज में बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब बर्बादी, ये पूरा विश्वास हो रहा था। पहला सिस्टम पहली और जो मुझे ज्वाइन करवाए थे उनका नाम बहुत तहे दिल से लेता हूँ, जो ज्वाइन करवाए थे तनवीर अख्तर जी, और उनको कितना सम्मान से, जब चेक आता होगा तो कितना सम्मान से नाम लेते होंगे आप भी समझ ही रहे होंगे। क्योंकि उस समय प्रोडक्ट की बात किया जाए तो दिल्ली ऑफिस से बिहार में कोई भी न पिकअप पॉइंट न कोई ऑफिस, अब समझ सकते हैं क्या परेशानी होती होगी। उसके बाद लाकर डिस्ट्रीब्यूट करते थे, उसके बाद लोगों को मैं बताता था, और उसके बाद जो नतीजा आता था ये, उस समय न कोई एक्सपर्ट व्यक्ति थे, न कोई अचीवर थे कि किसी को हम बता सके कि किन के पास गाड़ी है, किसके पास बंगला है, किसके पास बड़ा चेक है, कुछ भी नहीं। आज तो लोग अचीवर को खोजते हैं, दिखाते हैं कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, हम किसके पास दिखाते, क्या करते। इसमें बढ़ने का एक रीज़न मेरा एक ही था कि मुझे एक बात बार बार जो बताया जाता था कि इसमें टिके रहो, एक न एक दिन ऐसा समय आएगा कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगा। टिके रहने का कारण डोर टू डोर बिजनेस करते थे, MRP का बिजनेस करते थे, घर को चलाना था 1500 रुपया किराया देते थे तो MRP सामान डोर टू डोर जाकर बात क्या बताते थे कि सर मार्केट से जो प्रोडक्ट लेते हैं मार्केट से ना लेकर एक बार हमारी दुकान से तो लेकर देखिए। ऐसा नहीं है कि मार्केट का सामान ले रहे हैं तो बहुत बड़ा मतलब कि पुण्य का काम कर रहे हैं और हम दे देंगे तो आपको गुनाह का काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, एक बार यूज करके तो देखिए। ये बर्ड का यूज करते थे, जिसका नतीजा ये हुआ क्योंकि हमारे मन में चल रहा था कि कब 5 से 6 हज़ार रुपया आए, उसके बाद भी चेक नहीं आया, फिर 200-250 का सिलसिला चालू हो गया। अंत में लगा कि नहीं, ये बेकार चीज़ है, जितना मेहनत कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता था कि फ़ोन करते थे किसी और काम के लिए, समझ जाता था कि वेस्टेज के लिए फ़ोन ही नहीं उठाता था, हो गया, शायद ऐसा होता होगा क्या, ऐसा ही होता था मेरे साथ। और जो आज जो बात कर रहे हैं कि 1 महीना में 15 दिन में 1 साल में, मुझे तो सिर्फ 1 साल लग गया था डायरेक्टर बनने में, और 1 साल के बाद जिस बंदा को चेक 1000 का नहीं आया था वो पहला चेक था लगभग 10,000 रुपया का। लेकिन उस समय भी हम विश्वास नहीं करते थे कि जिस धंधे से उस बंदे को 1000 का कंपनी चेक नहीं दिया, ये 10,000 का चेक दे दिया, तो नेटवर्क मार्केटिंग में कहा जाता है लगता है कि हमको रोकने के लिए फंसा तो न दिया। ये नेटवर्क मार्केटिंग के विश्वास की बात किया जाए सर तो ये, खैर कंपनी से पता किए, सब पता किए, टोल फ्री नंबर पर बात किए तो मेरा ही था, सुकून मिला, मेरा ही है।
और जिसका नतीजा ये हुआ बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 ये ग्रोथ होता गया करते 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 कंपनी का बिजनेस प्लान नहीं पता था, कंपनी का बिजनेस प्लान इतना ही पता था डायरेक्टर बनाओ 10,000 रुपये आ जाएगा, ये प्लान पता हो गया था। जिसका नतीजा ये था कि धीरे धीरे करते 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 बढ़ते गया और आज के डेट में आपके सामने खड़ा है आज उस लेवल से जहां 5,000 की मुझे जरूरत था, आज अप्रोक्स जो चेक आया है लगभग पता नहीं हमें भी विश्वास नहीं होता है लगभग 6,00,000 रुपया का है। गाड़ी के बारे में तो सोचे ही नहीं थे, कभी नहीं सोचे थे, पैसा चाहिए गाड़ी नहीं, लेकिन गाड़ी 5,75,000 की i10 ऐसे ले लिए थे। कुमार कुलविजय जी के लिए जोरदार ताली जबरदस्ती गाड़ी दिलवाने वाले इनको हम क्या बोले इस स्टेज से क्या नहीं बोले होंगे। जब गाड़ी लेने के बोले तो मेरे मन में इसलिए बोले थे आदमी है कि क्या है अभी हम पैसों का कमा है गाड़ी से पैसा बर्बाद करवा देगा हो गया ये गाड़ी जबरदस्ती दूसरी गाड़ी अपने मन से पसंद तीसरी गाड़ी ऑडी Q5 जो आपके दरवाजे के बाहर खड़ी है विदेश यात्रा 10 से 15 कंट्री। और आज एक मैसेज देना चाहता हूँ यहाँ पर जितने भी लोग हैं, नए लोग हैं, पुराने लोग हैं, जो भी हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इस बिजनेस को आप अपना समझिए सर, अपना। 1 साल 2 साल 5 साल क्या मैं बता देता हूँ कि जिस दिन आप इसे अपना लिए उस दिन वेस्टेज अपना लेगा और जिस दिन वेस्टेज अपना लिया उस दिन पीढ़ियों दर पीढ़ियों सुधर जाएगा, ये मेरा वादा है। आप इसे अपना लीजिए, मैं ज्यादा सुकून नहीं दूंगा। इसी के साथ मैं अपना वक्त समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच।